तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी दोस्तों को प्यार नमस्कार और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव से। तो मेरे गांव का नाम है भैसन गांव, जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है कुमाऊं में। तो सुबह के अभी करीब 5:30 बज रहे हैं और मेरी अभी मतलब मैं हूँ अभी नाकोट के रेंज पे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क की हालत, जो कि काफ़ी बेहतर है, देख सकते हैं आप जैसी भी है और काफ़ी बढ़िया है। तो कुछ ऐसे चल रहे हैं रोड के हाल, कहीं कहीं पर ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि अब मानसून आ गया है, तो अब पूरा मानसून ऐसा ही रहेगा सड़कों पे, तो दिक्कत आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों मौसम की बात करें, मौसम कल रात से ही लगातार बारिश हो रही थी अभी तक, और अभी तक अभी थोड़ा सा शांत हुई है बारिश। पर कुछ भी कह लो दोस्तों, बारिश के बाद प्रकृति के रंग जो निखर के आते हैं ना, बहुत गजब का माहौल बनाते हैं अपने आप में, मल मस्त सा माहौल बनाते हैं, आप फील कर सकते हैं। अभी के समय ना जो ये पशु पक्षियाँ जो मतलब चिड़िया जो चहचहा रही हैं ना, तो काफ़ी अलग सा माहौल ये भी बना रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चूहू चूहू की आवाज़ आ रही है चारों ओर से, तो एक अलग सा अनुभव मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर लैंडस्लाइड का डर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, आप देख सकते हैं मिट्टी का कटाव कैसे मतलब अपने आप हो जाता है। और मानसून में यहाँ इस इलाके में ना, इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो यहाँ जो पेड़ है ना, इसका कभी भी गिरना निश्चित ही है लगभग, पर इसकी जड़ें जो हैं बहुत दूर दूर तक हैं, तभी इसने जो है ये बचा रखा है। बाकी ये भी नाकोट का ही रेंज है और अभी हम बस आगे पहुँचने ही वाले हैं अपने गांव में। बाकी दोस्तों अभी हम मैं पहुँच चुका हूँ खड़केश्वर मंदिर पे, जहाँ की शिवालय है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। और ये रहा इसका इनका गेट, मतलब इस मंदिर का गेट। और दोस्तों सभी जगह रोपाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है मानसून भी आ गया है, तो खेतों को बराबर पानी मिल पाएगा और धान की जो उपजाऊ धान की जो खेती है बढ़िया होगी। अगर बारिश ढंग से हुई तो धान को शायद बारिश ही चाहिए, मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप जो मेरे पीछे ये लोकेशन देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा था जिसने मतलब माहौल को एकदम गजब सा बना रखा है। तो देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है, हरे भरे खेत जो कि अलग सा माहौल बना रही हैं, देख ले चारों ओर। और यहाँ पर एक कल कल करती हुई छोटी सी नदी बह रही है जिसका नाम मनसा नदी है, तो हमारी लोकल नदी है जो कि कोसी नदी में मिल जाती है। तो अभी जो है सूख गई है, पहले से बहुत बड़ी नदी थी। तो अभी हम चलते हैं सीधे आगे की ओर और सीधे मिलते हैं आपको घर पे, क्योंकि बारिश भी पड़ने लगी है और कहीं ही ना फंस जाऊं तो दिक्कत आ जाएगी। चलते हैं। और दोस्तों देखिए हमारे घर के सीधे सामने जो पहाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पर धुंध कैसे ऊपर को जा रही है, तो एक अलग सा माहौल ये भी बना रही है, तो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ देखिए इस साइड सामने यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आज बन रहा है मूली के पत्तों का साग और नाश्ते में बनाया जा रहा है, इसे सलाद भी बोलते हैं ना मम्मी, हैं क्यों कहूँ नहीं बो, अच्छा सलाद धौर भाई। तो ये है मूली के पत्ते हैं, तो इसी का जो है टपकी टाइप में बनाया जा रहा है और रोटियां बनानी है मैंने अभी, और थोड़ा बहुत यहाँ की सफाई भी करनी है और लिपाई बताई करनी है बेसिकली बताएं तो, और पहाड़े में बोले तो पाल लिपन चुआज, तो यही कुछ है। और अभी देखते हैं आगे आगे अभी क्या देखने को मिलता है इस खूबसूरत दिन में।
मार मार मार।